नमस्कार। आज का अपना कक्षा का विषय है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध जो है वो कैसे बनते हैं, सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और उससे बनने वाले यौगिकों के कौन कौन से गुण होते हैं, इसका अपन अध्ययन करेंगे। सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, अधातु परमाणुओं के मध्य समान संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। रासायनिक बंध के सामान्य अध्ययन के विषय में जब अपन ने पढ़ा था तो उसने मैंने बताया था कि बंध जो बनता है उस बंध बनने में मुख्य रोल होता है इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है या साझेदारी होती है, तो ये जो सहसंयोजक बंध है वो परमाणुओं के मध्य में समान परमाणु हो, अधातु के समान परमाणु हो सकते हैं, अलग अलग परमाणु हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के परमाणु हो सकते हैं, उनके मध्य में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी समान संख्या में होती है। यानी एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन साझेदार कर रहा है उतना ही दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक परमाणु ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा दूसरा कम दे रहा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स की समान संख्या में साझेदारी होती है और उसके कारण जो बंध बनता है वो कहलाता है सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। अब साझेदारी होती है तो इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है। जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म बन गया, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो दो इलेक्ट्रॉन युग्म बन गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है वो अलग होता है, उसको कहते हैं साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म। जैसे पार्टनरशिप होती है ना किसी की, मान लो 50-50% पार्टनरशिप होती है तो नफे में भी बराबर का हिस्सेदारी होगी और उसमें भी, और उसमें जो एसेट्स होती है उसकी दोनों को की बराबर हिस्सेदारी होती है। इसी तरह से ये जो है वो, जैसे मान लीजिए कि शेयर है एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो इसका जो युग्म बनेगा इलेक्ट्रॉन पेयर उस पर दोनों परमाणुओं का बराबर अधिकार होगा। साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होगा। और इस साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म के बराबर अधिकार का मतलब ये क्या होगा, अधिकार का यह मतलब ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दोनों परमाणुओं के अष्टक पूर्ण की गिनती में आएंगे। इलेक्ट्रॉन युग्म, साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो दोनों परमाणुओं के अष्टक पूर्ण की गिनती में आएंगे। उधर भी दो काउंट होंगे और इधर भी दो, एक एक काउंट नहीं होगा, दोनों काउंट होंगे एक साथ। उस इलेक्ट्रॉन युग्म पर बराबर अधिकार होगा दोनों का, इसलिए बराबर अधिकार मतलब इसका भी है इसका भी है, इस तरह से। अब देखिए इसको कैसे दिखाते, जैसे ये कोई एक परमाणु है, ये कोई दूसरा परमाणु है, ठीक है। इस एक परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे परमाणु ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, साझेदारी करने के लिए दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो स्थिति ये हो गई कि जैसे ये परमाणु है और ये परमाणु, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म बन गया। इस इलेक्ट्रॉन युग्म को कहेंगे साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म। ये जो युग्म है ये कहलाता है साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण बना है, इसलिए इसको कहेंगे साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म। और इस साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों परमाणुओं का अधिकार है, बराबर अधिकार है, इसलिए इस परमाणु के अष्टक को पूर्ण करने में भी ये दो इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे।
और इस परमाणु के अष्टक को पूर्ण करने के लिए भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन गिने जाएं, दो इलेक्ट्रॉन गिने जाएं, यानी इस तरह से दोनों परमाणुओं का साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म पर बराबर अधिकार हो गया और इन दोनों से बनने फिर बन गया अणु, जैसे X2। ये अणु जो बना ये कौन सा यौगिक होगा? सहसंयोजक यौगिक होगा, इसको अपन कहेंगे सहसंयोजक यौगिक। ये अणु बन गया, ठीक है। अब देखिएगा, सहसंयोजक बंध जो बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्यात्मक साझेदारी के आधार पर, इलेक्ट्रॉन्स की संख्यात्मक साझेदारी के आधार पर सहसंयोजक बंध तीन प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंध के प्रकार देखें तो इस यहाँ जो इसके प्रकार हैं उसका आधार क्या है? उसका आधार है कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हुई है, उसके अनुसार उसका आधार है। जैसे मान लीजिएगा एक होता है एकल बंध, एकल बंध, एकल बंध का मतलब है यदि दो परमाणुओं के मध्य में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो बनने वाला सहसंयोजक बंध एकल बंध कहलाता है, यानी एकल बंध में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, ठीक है। अब दूसरा है, इसको प्रदर्शित करते हैं एक लाइन से ऐसे। अब इसका एग्जांपल यदि देखें, जैसे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का परमाणु है, हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक ही होता है। एक दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु है, इसके कक्षक में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एक होता है, तो इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, शेयर कर लिया, मतलब साझेदारी कर ली, और दोनों की साझेदारी से एक इलेक्ट्रॉन युग्म बन गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म बनता बन गया इसको कहेंगे साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म। अब इस पे दोनों परमाणुओं का बराबर अधिकार है तो हाइड्रोजन का अष्टक नहीं होगा, द्विक होगा, तो इस हाइड्रोजन के द्विक को पूर्ण करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट होंगे। इसी तरह इस हाइड्रोजन के द्विक को पूर्ण करने के लिए भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट हो गए, यानी बराबर अधिकार हो गया। इसको लिखेंगे H-H, ये एकल बंध बन गया, सामान्यतः अपन लिखते हैं जैसे इसको H2, ठीक है, H2, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा है द्विबंध। द्विबंध में क्या हो रहा है? द्विबंध में दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, परमाणुओं के मध्य में यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन की समान संख्या में साझेदारी हो रही है। अब दो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हो रही है तो साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म कितने बनेंगे? दो। क्यों? क्योंकि एक परमाणु से दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दूसरे परमाणु से दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, टोटल चार इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हुए? इलेक्ट्रॉन की संख्या चार है लेकिन युग्म पेर हो गए दो, तो दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बंध है वो द्विबंध कहलाता है। और इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? दो लाइन से। इसका एग्जाम्पल है जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के मध्य में दो दो इलेक्ट्रॉन्स की बराबर संख्या में साझेदारी होती है, ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन युग्म साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं। दोनों साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म पर ऑक्सीजन के दोनों परमाणुओं का बराबर अधिकार होता है, इसलिए अष्टक पूर्ण में ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म इधर भी काउंट होंगे और इधर भी काउंट होंगे, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे ओ द्विबंध डबल बॉन्ड ओ, ऐसे इसको लिखते हैं अपन, O2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर द्विबंध बना हुआ है, द्विबंध इसलिए बना हुआ है कि दो दो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हुई है, दो इलेक्ट्रॉन युग्म बने हैं, इसलिए इसको लिखेंगे अपन O2, ये इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट होता है ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध। त्रिबंध, त्रिबंध में क्या होगा? दो परमाणुओं के मध्य में तीन तीन
इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होगी। एक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा परमाणु भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन परमाणु ने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए दिए, इस नाइट्रोजन परमाणु ने भी यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए दिए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 और साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म बन गए 3। इन तीनों साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों परमाणुओं के बराबर अधिकार होता है। इसका मतलब इस नाइट्रोजन के अष्टक पूर्ण में भी दोनों, ये तीनों इलेक्ट्रॉन, ये जो साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म है वो काउंट होंगे, और इस नाइट्रोजन के अष्टक पूर्ण करने के लिए भी तीनों साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म काउंट होंगे, दोनों का बराबर अधिकार हो गया। और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, तीन लाइन से ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध, जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N, जैसे N2 इसको ऊपर लिखते हैं, तो यह है त्रिबंध। इस तरह से सहसंयोजक बंध के प्रकार देखते हैं, तो ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड एकल बंध, डबल बॉन्ड द्विबंध, ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध। ठीक है, अब देखिएगा, ये थे सहसंयोजक बंध के प्रकार। अब सहसंयोजक यौगिकों के गुण देखेंगे, अब सहसंयोजक यौगिकों के गुण, जो सहसंयोजक बंध के कारण जो यौगिक बन रहे हैं उनको कहेंगे सहसंयोजक यौगिक, और उन सहसंयोजक यौगिकों की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन कौन से गुण होंगे उनके अंदर, उनका अपना अध्ययन करेंगे। तो सहसंयोजक यौगिकों के गुणों के अध्ययन में सबसे पहले देखिए, सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो अधिकतर द्रव होते हैं, ठोस भी होते हैं और गैस भी होते हैं, लेकिन अधिक संख्या में द्रव होते हैं, फिर ठोस, गैस, गैस होते हैं और ठोस होते हैं। तो ये तो है इसकी फिजिकल स्टेट। अक्रिस्टलीय होते हैं सहसंयोजक यौगिक, आयनिक यौगिक जैसे क्रिस्टलीय थे, सहसंयोजक यौगिक अक्रिस्टलीय होते हैं, फिर भी इसमें अपवाद होता है, जैसे ग्रेफाइट है, हीरा है, ग्रेफाइट जो है वो कार्बन कार्बन के मध्य में सहसंयोजक बंध से बनता है, लेकिन इसका क्रिस्टल बनता है, परतदार होता है, एक परत दूसरी परत के ऊपर जमी हुई होती है, इसलिए सॉफ्ट भी होता है, जैसे ग्रेफाइट पेंसिल होती है, घिसती है ना, वो इसलिए होती है कि ये क्रिस्टलिन फॉर्म में तो होता है लेकिन एक दूसरे के ऊपर परतें होती है, तो एक परत घिसती है फिर दूसरी परत घिसती है, इस तरह से। तो ये ग्रेफाइट जो है वो जैसे क्रिस्टली डाइम हीरा है, हीरा क्रिस्टली होता है, थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टली होता है, सहसंयोजक बंध होता है, सारे एकल बंध होते हैं, ग्रेफाइट में भी सारे एकल बंध होते हैं, हीरे में भी सारे एकल बंध होते हैं। अध्रुवीय प्रकृति, अध्रुवीय प्रकृति, सहसंयोजक बंध जो है वो अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की समान संख्या में साझेदारी होती है, उसके कारण बंध बनता है, और सामान्यतया जो परमाणु होते हैं वो समान विद्युत ऋणता के होते हैं, इसलिए अध्रुवीय प्रकृति होती है। अब आंशिक ध्रुवीकरण देखिए, यहाँ पर प्रकृति अध्रुवीय होते हैं लेकिन आंशिक ध्रुवीकरण होता है इसका। आंशिक ध्रुवीकरण कब होता है, ऐसे सहसंयोजक यौगिक जिनमें जो परमाणु, जिन परमाणुओं के मध्य बना उनके मध्य में यदि विद्युत ऋणता में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो होता है, जैसे HCl के मध्य में सहसंयोजक बंध होता है, लेकिन इसका ध्रुवीकरण हो जाता है क्योंकि बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है उसको अधिक विद्युत ऋणता वाला परमाणु अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, तो उसके उस परमाणु को, परमाणु युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने पर उसके पास डेल्टा नेगेटिव और दूसरे परमाणु के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी आंशिक ध्रुवीकरण हो जाता है, उसका आंशिक आवेश आ जाते हैं, इसलिए
प्रकृति तो अध्रुवी मूलतया सहसंयोजक योगी की प्रकृति अध्रुवी होती है, लेकिन जब बंध का दुर्विकरण होता है तो आंशिक आवेश आ जाता है। इसी तरह से देखिए जल में अविलय होते हैं, सहसंयोजक योगिक जल में अविलय होते हैं और अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। अध्रुवीय विलायक जो है उनमें विलय होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ना, केमिस्ट्री में एक सिद्धांत है सेम डिजोल्व सेम, यानी ध्रुवीय प्रकृति के यौगिक हैं तो ध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे और अध्रुवीय प्रकृति के यौगिक हैं तो अध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे। ऐसे विलायक जो ध्रुवीय जिनमें प्रकृति नहीं होती है, जिनमें पोल्स नहीं बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं बनते, तो अध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे, जल में अविलय होंगे। रासायनिक अभिक्रिया धीमी गति से होती है, क्यों होती है? देखिए सहसंयोजक यौगिक है वो प्रकृति है अध्रुवीय, यानी इनके ऊपर कोई आवेश नहीं आ रहा है, और रासायनिक अभिक्रिया होती है वो आयन्स के माध्यम से, आयनों के माध्यम में होती है, और ये आयनों में नहीं टूटते हैं, ये आंशिक आवेशित होते हैं। बंध की आंशिक ध्रुवीकरण के कारण आंशिक आवेश आता है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया इनकी धीमी गति की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। विद्युत के कुचालक होते हैं, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इसका अपवाद है, अपवाद है इसका कौन सा? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है वो इसका अपवाद है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, सहसंयोजक यौगिक है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें sp2 संकरण होता है और हर कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, हर कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए फ्री होता है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये सहसंयोजक यौगिकों के कुचालकता में एक अपवाद है, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हुए भी ग्रेफाइट सुचालक होता है। ये थे सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य गुण। तो आज के इसमें अपन ने अध्ययन किया सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, किसके किस कारण बनते हैं, किसके मध्य में बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और सहसंयोजक यौगिकों के गुण कौन कौन से होते हैं। धन्यवाद।